प्रोजेक्टाइल मोशन इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे थे और प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पर कुछ डिस्कशन किया था। आई होप आपको याद होगा कि जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फाइनल इक्वेशन बनाया था तो वी हैव रिटन टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज टू टाइम्स ऑफ यू वाई, विच इज नथिंग बट वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई जी। रेंज के लिए भी हमने कुछ सीक्वेंस ऑफ फॉर्मुलेज बनाए थे, दोज वेर टू यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसा एक था फॉर्मूला। दूसरा हमने ऐसे भी लिखा था यू स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक। आई होप आपको ये सारी बातें याद होंगी। और इसमें एक और शॉर्टकट फॉर्मूला हम ऐसे भी बनाते हैं, टू टाइम्स ऑफ यू वाई कंपोनेंट यू एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई जी। एंड एट लास्ट हमने ऐसे भी लिखा था कि रेंज इज इक्वल टू यू एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके अलावा बिल्कुल बिगिनिंग में अगर मैं बात करूं तो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक डिस्क्राइब की थी, जिसे जनरल फॉर्मेट में तो ऐसे लिखा गया था y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ a एज tan थीटा एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ b एज g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये सारा डिस्कशन अपना प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका है। अब आज की क्लास में हम प्रोजेक्टाइल की रेंज पर ही कुछ बात करेंगे, कुछ और स्पेसिफिक कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स इन पर भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलेज ठीक ठाक तरीके से याद हैं। यस यस सर। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज के डिस्कशन के साथ। जैसे मैंने कहा कि आज हम रेंज पर ही अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, रेंज के टॉपिक पर ही आज हम बात करेंगे। तो विद दैट रेफरेंस, रेंज का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला या इस तरीके से रेंज के जो फॉर्मेट हैं ये सब हमें जहन में रखने हैं, ठीक है। कैलकुलेशन तो हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जो भी हमको सबसे सिंपल लगता है उस गिवन सिचुएशन में उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब यहां देखिए, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात या बड़ा ही जरूरी कंसिडरेशन, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये भी है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, तो ऑब्वियस बात है हमारा एक इंटेंशन ये होगा कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर रेंज अचीव कर ले। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट ग्राउंड में बाउंड्री लाइन के पास से अगर कोई फील्डर बॉल पिकअप करके थ्रो करता है तो ऑब्वियस बात है वो चाहेगा कि बॉल किसी तरीके से पिच पर, या मोर एक्यूरेटली अगर कहा जाए विकेट कीपर के पास पहुंच जाए, तो एक तय रेंज में वो बॉल को थ्रो करने की कोशिश करता है। या आप किसी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, थ्रो करने वाले स्पोर्ट्स जो होते हैं, जेवलिन थ्रो कर रहे हैं या डिस्क का थ्रो कर रहे हैं या गोले का, ठीक है ना, वो थ्रो कर रहे हैं, तो इन सभी तरीके के स्पोर्ट्स में भी हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा दूर हमारे प्रोजेक्टाइल को, हमारे ऑब्जेक्ट को जो है हम वो थ्रो कर सकें। जब रेंज की पूरे फॉर्मूले को केयरफुली एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है, तो हमें पता चलता है कि रेंज का फॉर्मूला ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो है जिसमें से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अर्थ पर हम ये सारा काम करने वाले हैं तो इसे हम
फिलहाल के लिए तो कांस्टेंट मान लेते हैं। चलिए भाई, ये रेंज जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट हो गया, तो हमें पता चल गया फोन रेंज, ये जो फैक्टर है ये पूरी तरीके से, ये फैक्टर डिपेंड करता है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों पे, y पे भी डिपेंड कर रहा है और x पे भी डिपेंड कर रहा है। तो एक ऑप्टिमम चॉइस हमको बनानी पड़ेगी कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लेवल की रेंज अचीव करना चाहते हैं, बहुत दूर तक प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करना चाहते हैं, तो हमें y का कितना कंपोनेंट या x का कितना कंपोनेंट डेवलप करना है। अब देखिए, y और x के कितने कितने कंपोनेंट्स बनेंगे ये तो पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने एंगल पर उसको थ्रो करते हैं। तो कंट्रोल जो फैक्टर आया, मतलब रेंज को कंट्रोल करने वाला फैक्टर जो हमको समझ आया, वो ये है कि हम कितने एंगल पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। एंगल अगर आपने बदला तो जाहिर बात है कंपोनेंट्स बदल जाएंगे, और अगर कंपोनेंट्स बदल गए तो रेंज का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, तब हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम ये पता करें कि हम मैक्सिमम रेंज कब अचीव कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में या किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम मैक्सिमम रेंज को अचीव कर सकते हैं। बात समझ आ गई बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा था? यस यस अब रेंज की मैक्सिमम होने के लिए हमको एक पर्टिकुलर कंडीशन या एक पर्टिकुलर फॉर्मूला या एक पर्टिकुलर आप कह लीजिए की कंसिडरेशन हमें सॉर्ट आउट करना है। अब मैंने हिंट आपको दे दिया कि रेंज का जो कंट्रोल करने वाला फैक्टर है वो एंगल है, क्योंकि देखो हम यहां से फॉर्मूले से जब इसको जस्टिफाई करते हैं तो रेंज डिपेंड करती है वाई और एक्स कंपोनेंट पर, और वाई और एक्स कंपोनेंट ये तय होते हैं बेस्ड ऑन द एंगल। तो आइए अब देखते हैं कि हम किन सिचुएशंस को कंट्रोल करते हुए या किस पर्टिकुलर एंगल को कंट्रोल करते हुए हम रेंज को मैक्सिमम कर सकते हैं। फॉर दैट सबसे पहले तो मैं रेंज का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो अभी हमने डेराइव किया है उसे लिख लेता हूं। दैट इज आर इज इक्वल टू, वी हैव अ फॉर्मूला सेइंग यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके, अब मैथमेटिकली हमें मैक्सिमम रेंज को जस्टिफाई करना है, मैक्सिमा को जस्टिफाई करना है। तो मैथ्स में जब एक कंडीशन होती है बच्चों, मैथ्स में जब हम किसी फैक्टर को, किसी चीज को मैक्सिमम करते हैं, एक सेकेंड, ओके, जब हम किसी चीज को मैक्सिमम करते हैं मैथ्स में, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है ना वो जीरो हो जाता है। डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये मैथ्स की एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन को आपको यहाँ पे याद रखना है, इसे हम कहते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन बोथ द केसेस, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों केसेस में जब वो चीज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। मैं फिर दोहराता हूं, जब भी कोई चीज अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अचीव करती है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि रेंज की इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर देना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और उसका आंसर क्लेम करना है जीरो। व्हाट द पॉइंट? अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्यों किया? तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूं कि जब हम रेंज के फॉर्मूलेस को देखते हैं तो उसमें वाई और एक्स कंपोनेंट आ रहे हैं, और रेंज वाई और एक्स कंपोनेंट की वैल्यूज पर डिपेंड करता है, और ये वाई और एक्स कंपोनेंट की वैल्यूज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करती हैं, मतलब सारा कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है रेंज को वो एंगल है। तो आइए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो वी विल बी जस्ट राइटिंग डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाय डी थीटा इक्वल, हम देखेंगे यू स्क्वायर और जी, ये फैक्टर डिफरेंशिएट नहीं होगा। सो यू स्क्वायर आ गया बाहर, जी आ गया बाहर, डिफरेंशिएबल हो गया डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन हमको प्रॉपरली लिखने आना चाहिए। इन सभी तरीके के फॉर्मुलेस को मैं आपको बता चुका हूं। सो हियर द आंसर विल बी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ
कॉस टू थीटा, इतना मैथमेटिकल कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, नाउ इफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, जब वो चीज मैक्सिमम हो जाती है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितना ट्रीट करना है हमको? जीरो. जीरो. तो हम dr बाई dt को चुपचाप जीरो लिख देते हैं. तो ये हो गया जीरो इक्वल, बाकी सब कुछ जैसा वैसा. दैट इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा आफ्टर डिफरेंशिएशन. अब ये जीरो से ये g मल्टीप्लाई कर दो वो भी जीरो हो जाएगा, फिर इस जीरो से ये यू स्क्वायर का डिवीजन कर दो वो भी जीरो हो जाएगा, और फिर ये टू भी ले जाके दूसरी साइड में डिवाइड कर दो जीरो के साथ तो वो भी जीरो हो जाएगा. मतलब ये टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ये पूरा फैक्टर जब मैं जीरो के साथ ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ या डिवाइड कर देता हूँ तो फाइनली वो क्या आंसर आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. yes. है ना, इतनी छोटी बात मुझे समझानी नहीं चाहिए फिर भी. तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है? कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू जीरो. करेक्ट हो गया. ये सब इक्वालिटी साइन की दूसरी तरफ ले जाता हूं मैं, यू स्क्वायर जी और टू, तो वो जीरो से भिड़ रहे हैं, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो सब फैक्टर फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. बचेगा क्या? कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा विल बिकम इक्वल टू जीरो. अब सोचने वाली बात यह है कि कॉस की वैल्यू जीरो कौन से एंगल के लिए आती है? 90. आंसर ये पता चला कि कॉस का जो फिलहाल करस्पॉन्डिंग एंगल है वो कितना है? टू थीटा है. फिलहाल का जो उसका एंगल है वो टू थीटा है और उसकी वैल्यू आ रही है जीरो. इसका सीधा मतलब है बच्चों कि टू थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. याद रहे टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर अगर हम इसे सॉल्व करें तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री. तो यहां हमको हिंट मिल गया कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर थ्रो करते हैं तो उसका रेंज मैक्सिमम हो जाएगा. सबसे ज्यादा रेंज, सबसे दूर तक अगर हम थ्रो करना चाहते हैं तो हमें उस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे थ्रो करना चाहिए. ओके, तो ये मैथमेटिकल इसका वैलिडेशन हो गया, मैथमेटिकली इसकी प्रूफ हो गई. सो एट 45 डिग्री ऑफ प्रोजेक्शन रेंज जो हो गए वो क्या हो गई? मैक्सिमम. अब एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि मैक्सिमम रेंज है कितनी, ठीक है ना? व्हाट व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज इफ यू कंसीडर, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज. सो आर मैक्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो देखिए आर मैक्स का फॉर्मूला हमने अभी अभी लिखा था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी. ठीक है, अब जरा सोचें थीटा मैक्सिमम रेंज के लिए कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए. 45. तो 2 इंटू 45 आपने मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो यहाँ कितना आया एंगल? 90. साइन 90 कितना हो गया? 1. तो पता चला कि ये सारा फैक्टर 45 डिग्री के कंसिडरेशन पर कितना हो रहा है? 1 हो रहा है. तो हमें आंसर मिल गया आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी. दैट्स इट, ये हो गया इसका आंसर. ओके, तो ये सारे फॉर्मूले वन बाय वन आपको जो है ना वो पूरे प्रॉपरली याद रख लेने चाहिए. तो मैक्सिमम रेंज बस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी हो गई, दैट्स इट. कोई एंगल, कोई साइन थीटा, कोई कॉस थीटा, कोई टू, कोई डिवाइडेड बाय टू, मल्टीप्लाइड बाय टू, कुछ नहीं. सीधा सीधा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, वेर यू इज द इनिशियल स्पीड ऑफ थ्रो, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ग्राउंड लेवल से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया सच दैट के इसका स्पीड जो है ये 25 मीटर पर सेकेंड है, फाइंड आउट द मैक्सिमम रेंज. ये कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जाके गिरेगा? तो अगर हम मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हैं तो अप्लाई द गिवन फॉर्मूला यू स्क्वायर, यानी कि क्या करना चाहिए? 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, दैट मेक्स 625 डिवाइडेड बाय 10. मैक्सिमम रेंज का आंसर आया 62.5 मीटर. है ना सिंपल? यस सर. ओके, मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं, या इसमें थोड़ा सा एक और एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूं. थोड़ा जनरल क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जनरल क्वेश्चन. लेट्स से कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसे फायर किया गया,
with a speed of 25 meter per second, if I just consider. But this time, the angle of projection is 37 degree. If I ask you find out the time period, time of flight, and find out the general range at an angle of 37 degree, और साथ ही साथ ये भी पता करें कि R max कितना है, ओके? ये भी पता करें कि R max कितना है. तो first of all हम क्या करेंगे? इसके components बनाएंगे. So I may have one of the component like this, and I may have another component like this. ये जो horizontal component है, इसे क्या लिखना चाहिए हमको? 25. Sin 30. Cos 37. वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 25 साइन 37 कॉस 37 विल टेक अ वैल्यू ऑफ 4/5 के हिसाब से हम सोचें इसमें तो ये हो जाएगा 16 करेक्ट है 20 हो जाएगा ना ये 25 इनटू 4/5 और 25 कटा 5 बचा 5 into 4 20 समझ आ रही है बात यस सर हाँ अब यहां निकालो sin 37 विल बिकम 3/5 5 into 15. 3 दैट विल बी 15 15 मीटर पर सेकंड अब निकालते हैं टाइम तो आपको याद है टाइम मैं सिर्फ फार्मूला रिवाइज करने के लिए ले रहा हूं आपको याद है टाइम पीरियड टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है ये वो है 2 टाइम्स ऑफ ui डिवाइडेड बाय g आंसर इज 2 इनटू 15 डिवाइडेड बाय 10 3 सेकंड्स क्लियर डन यस यस सर यस ओके दूसरी बात हम निकालते हैं रेंज आपको याद होगा रेंज हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ ui ux divided by g therefore r is equal to halanki aap direct bhi likh sakte ho ux multiplied by t bhi likh sakte ho therefore r is equal to ux kitna hai apna 20 aur time kitna hai 3 second answer aaya 60 meter to given angle par wo 60 meter pe jaake gir raha hai yani ki 37 pe agar main throw karta hu to wo 60 meter pe girta hai ab nikalte hain maximum range तो R max का फॉर्मूला क्या है u square divided by g और हम ये जानते हैं कि R max 37 पर नहीं आएगा अगर मुझे R max करना है तो इस एंगल को मुझे 45 करना पड़ेगा और ये बात समझ में यस सर हां तो ये हो गया 25 yes. square divided by ये g का वैल्यू 10 25 625 हो जाएगा उसका स्क्वायर करने पे डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आंसर आ जाएगा 62.5 मीटर करेक्ट है अब खास इस बात को नोट करें कि 37 डिग्री पे ये जाके गिर रहा था 60 मीटर पे लेकिन जब हम इसको 45 डिग्री करते हैं तो ये जाके गिरता है 62.5 मीटर पे व्हिच इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर द गिवन प्रोजेक्शन 62 ठीक है एक और बात रेंज अपने इनिशियल कैलकुलेशंस में जो है ना वो एक्स और वाई कंपोनेंट्स दोनों पे डिपेंड करती है लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है x कंपोनेंट में इसका कोई लेना देना नहीं है x कंपोनेंट में इसका कोई कंसीडरेशन नहीं गॉट द पॉइंट यस सर यस सर आइए अब एक और इक्वेशन पर हम लोग बात करते हैं अब ये जो इक्वेशन मैं ड्राइव करने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे टिपिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा इजी हो जाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है ना उसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंज रेंज के फॉर्मूले में हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे वैसे देखो बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अपने जो जनरल फॉर्म है जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं x टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा माइनस एक पूरा ब्रैकेट आता है यहां पे g डिवाइडेड बाय 2u square cos square theta into यहां पर आ जाता है x का स्क्वायर ठीक है ये एक जनरल फॉर्म है इसका पूरा फिर अगर मैं रेंज का एक फॉर्मूला यहां से चॉइस कर लूं जिसमें मैं ऐसे लिखता हूं 2u square
साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। रेंज का ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, वी हैव दीज फॉर्मूलीज। इसमें से मैंने ये वाला ले लिया, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए आपको, धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे लिख के, तो याद भी हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है इक्वेशन को कि रेंज के टर्म्स में उसका आंसर आ जाए, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल इक्वेशन। क्योंकि जिस तरीके से अक्सर प्रॉब्लम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बनाए जाते हैं, उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और रेंज को कंसिडर करते हुए प्रॉब्लम्स को डिजाइन किया जाता है। सो लेट्स हैव अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन, एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन को तैयार करते हैं, बहुत ध्यान से देखें। अगर रेंज वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया जाए और टू यू स्क्वायर के लिए इक्वेशन बनाई जाए, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, जी आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, मतलब सिर्फ ये टू यू स्क्वायर एक तरफ कर दिया और बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट करा दिया। अब ये जो टू यू स्क्वायर है, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के यहां वाले ये पैटर्न में, मतलब यहां इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, इसको ये रिप्लेस कर देंगे टू यू स्क्वायर, और उसकी जगह पर ये सब कुछ ले आएंगे आप, तो देखें हमको क्या मिलेगा। सो वी मे राइट वाई इज इक्वल टू, ये एक्स और ये टेन थीटा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है जैसा वैसे, माइनस लेट्स कीप दिस ब्रैकेट ताकि हमसे कोई गलती ना हो, जी डिवाइडेड बाय, अब टू यू स्क्वायर हटा दें और उसकी जगह पर ये सब कुछ लिख दें आप, तो यहां पे हो जाएगा ये जी डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इनटू इसके साथ आगे कॉस स्क्वायर थीटा जो है जैसा वैसे, और ये ब्रैकेट से बाहर हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन, टू यू स्क्वायर आपने हटाया और उसकी जगह पे आपने सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस किया। हम देखेंगे कि यहां से ये जी फैक्टर और यहां से जी फैक्टर कट गया, यहां से ये पूरा कॉस थीटा फैक्टर और यहां से कॉस की एक पावर कट गई, और ये जो साइन थीटा डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा न्यूमिनेटर में। ठीक है, अ टर्म विच इज डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर विल बी शिफ्टेड इनटू द न्यूमिनेटर। सो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक, ये जो पूरी इक्वेशन है अब ऐसी नजर आएगी, वाई इज इक्वल टू दिस गोज एक्स टेन थीटा माइनस, आप नोटिस करें साइन थीटा ऊपर चला गया है, मैंने रीजन बता दिया आपको, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो, इसलिए ऊपर चला गया न्यूमिनेटर में चला गया, एंड देन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा की दो में से एक पावर कट गई थी तो सिर्फ कॉस थीटा बाकी था। ठीक है, इन टू ये एक्स स्क्वायर जैसा वैसा, और एक चीज बच गई यहां पर, आप नोटिस करें ये आर बच गया, तो मैंने ये लिख दिया आर यहां पर जैसा वैसे। अब मैं चाहता हूं कि आप ये चीज नोटिस करें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये क्या बनेगा, टेन थीटा, बस से टेन थीटा बन जाएगा। सो दिस विल टर्न आउट टू बी वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो है ये फिर एक बार टेन थीटा बन गया डिवाइड बाय आर इन टू ये एक्स स्क्वायर जैसा वैसे। अब इसमें और ये सेकेंड टर्म में कुछ चीजें कॉमन है, जो जो कॉमन है हम उसको बाहर ले लेते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। सो वाई इज इक्वल टू, इसमें से मैंने कॉमन लिया बच्चों एक्स टेन थीटा, एक्स और टेन थीटा फैक्टर कॉमन ले लिया मैंने, तो टर्म वन में से तो सब कुछ ही कॉमन चला गया, तो बचा क्या, वन माइनस टेन थीटा हमारा कॉमन हो चुका है, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन में चला गया, तो बचा क्या, एक्स बाय आर। ये एक इक्वेशन हमको यहां पर मिल रही है, जो बहुत ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ही है, लेकिन लेकिन रेंज के टर्म के साथ ये लिखी गई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एंड आई मस्ट से कि आपको इसको कंपल्सरीली याद रखना है, मस्ट रिमेम्बर। मस्ट रिमेंबर की कैटेगरी में डालें इसको, कंपलसरी याद रखना है, क्योंकि ये हमारे बड़े प्रॉब्लम्स को आसान कर देगा। जिस तरीके से ये इक्वेशन डिजाइन की गई है, लिखी गई है, इससे हमारे बड़े प्रॉब्लम्स इजी होंगे। क्लियर हो गई बात?
मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं ताकि आपको रियलाइज हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक दो क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन लाइक दिस। तो अब इसने पूछा हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है पूछ रहा है। इट इज अ लिटिल टफ टू गो फॉर, कैसे इसे रीअरेंज करें। तो जो गिवन इक्वेशन है उसको ध्यान से देखें आप, और अभी अभी जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता है। अभी अभी जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें फॉर्मेटिंग ऐसी थी, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, ठीक है, इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, दिस वॉज द केस, करेक्ट है। अगर मैं ये सब कुछ इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, चलो यहां मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, सो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक इन दिस वे, एक्स टेन थीटा माइनस टेन थीटा अगेन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, करेक्ट जा रहे हैं। यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन को और स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, गिवन और स्टैंडर्ड इन दोनों इक्वेशंस को हमको कंपेयर करना है, ठीक। जैसे सबसे पहला कंपैरिजन में क्या कर सकता हूं कि यहां 16x आया, ठीक है, और यहां x tan थीटा आया, तो चलो भाई ठीक है x के लिए तो x हो गया, लेकिन देखते ही पता चलता है ये 16 किसका रिप्लेसमेंट है, tan थीटा। तो हमें फौरन ही पता चल गया कि यहां पे tan थीटा की जो वैल्यू है ये 16 आ गई है। ये पहला रिजल्ट हमको कंपैरिजन से पता चला। दूसरा इक्वेशन अगर मैं चेक करता हूं तो यहां एक्स स्क्वायर है और यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो ये जो 5/4 है ये किसके लिए लिखा गया होगा, टेन थीटा बाय आर, टेन थीटा बाय आर, शाबाश। तो दूसरा जो कंपैरिजन हमको देखते ही पता चलता है वो है कि टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 5/4, बट वी हैव जस्ट प्रूव्ड कि टेन थीटा कितना है, 16 अपॉन आर इज इक्वल टू 5/4, देयर फोर इट्स जस्ट अ वेरी हैंडी कैलकुलेशन, 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, आर इज इक्वल टू 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। नाउ 16 इंटू 4 कितना होगा, 64 अपॉन 5, वॉट इज एक्सपेक्टेड आंसर, 12.8। तो ये रहा अपना ऑप्शन, क्लियर हो गई बात। इक्वेशन हमारे जहन में नहीं है, रेंज से रिलेटेड इस तरीके की इक्वेशन हमारे माइंड में नहीं है, तो हम पता नहीं कितने घंटों इस पे हमें सोचना पड़ता है या कितना इस पे एफर्ट्स लगा के हमको फिर आंसर निकालना पड़ता है। That's why I'm saying that कि ये जो format of equation है आपको इसको याद रखना चाहिए। Getting it right? Yes, sir. Okay. अब देखिए एक और चीज समझने की है यहाँ पे कि जब मैंने टर्म बाई टर्म कंपेयर किए और ये कहा कि tan theta is equal to 16 and this factor is equal to 5/4 and all that, ये मैं उसी वक्त कर सकता हूं जब इक्वेशन का फॉर्मेट और गिवन इक्वेशन का फॉर्मेट सेम है। इस हालत में मैं इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता, ये 1 माइनस के पैटर्न में नहीं गिवन था, तो मैं यहां से इन दोनों को नहीं कंपेयर कर सकता। तो सबसे पहले मैंने हमारी इक्वेशन को उस पैटर्न में लिखा, उस फॉर्मेट में लिखा जैसा वो गिवन है, उसके बाद मैंने कंपैरिजन किया। तो इक्वेशंस को जब भी कंपेयर करें डेटा इक्वल करने के लिए, ठीक है, इक्विवेलेंट नंबर्स को पता करने के लिए,
तो ये रूल हमेशा दिमाग में याद रखिए कि इक्वेशन सिमिलर पैटर्न में होनी चाहिए, सिमिलर तरीके से लिखी होनी चाहिए, तभी वो कंपेयर की जा सकती है, अदरवाइज नहीं. व्हाट द पॉइंट? यस सर. ओके, मैं एक और क्वेश्चन यहां पे लेना चाहता हूं इसी सीक्वेंस में, इसी वे में. ऐसा देखा जाए तो काफी टफ है, लेकिन अगर सिस्टमैटिकली इसको अप्रोच करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल. तो सिचुएशन ऐसी है कि ग्राउंड पर एक पोल रखा हुआ है. यू में से कि भाई कुछ इस तरीके से एक पोल है. लेट्स से कि इस पोल की हाइट एच है. पोल का फुट यानी कि पोल जहां ग्राउंड पे टच कर रहा है उसे पोल का फुट माना जाएगा. तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो यहां से ए डिस्टेंस पीछे, मे बी हो सकता है यहीं यहां कहीं से, ए डिस्टेंस पीछे, फुट ऑफ द पोल से ए डिस्टेंस पीछे यहां से एक बॉल को थ्रो किया गया 45 डिग्री पे, जो पोल के टॉप को जस्ट टच करके क्रॉस करता है और आगे जाके गिर जाता है एट अ डिस्टेंस बी. ठीक है, एट अ डिस्टेंस बी ऑन द अदर साइड ऑफ इट. तो प्रोजेक्शन समझ में आया सबको कैसे है? ये ऐसे प्रोजेक्शन किया, ये यूं, फिर ये यहां जाके कहीं, और लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन अ परफेक्ट वे. ये ऐसे प्रोजेक्शन किया, ये क्रॉस किया और आगे जाके कहीं यहां जाके गिर गया. सम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया उन्हें, कोई और दूसरी इंफॉर्मेशन, कोई और डेटा, कुछ कुछ नहीं बताया, एक्सेप्ट दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री. तो यहां जब इसको प्रोजेक्ट किया गया था, उसका कहना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री. अब ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि हाइट पता करें, हाइट. ओके, अब पढ़ने समझने में क्वेश्चन काफी टफ अपियर होता है, बट डोंट वरी, वी हैव अ की इक्वेशन टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास एक की इक्वेशन है. अब उस इक्वेशन को रिकॉल करें, क्या है हमारी इक्वेशन? y इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा देन इन ब्रैकेट 1 माइनस x बाई r. करेक्ट हो गया बच्चों बात? यस. अच्छा, क्या हमने यहां से प्रोजेक्शन किया था और वो यहां जाके गिर गया? यस, प्रोजेक्शन तो हमने इसी जगह से किया था और गिरा इधर, तो इसका मतलब इसकी रेंज कितनी हो गई? ए प्लस बी. वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे. तो इसकी रेंज ए प्लस बी हो गई, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो सीधा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वही रेंज होता है. अब इस बार वो दो हिस्सों में दिया गया है, तो मैथमेटिकली जब हम इसे निकालना चाहेंगे तो जारी बात है वो ए प्लस बी हो जाएगा. बहुत अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, जब ये इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं ना, तो इसमें एक बात याद रखिए कि x जो होता है वो x और y, इनफैक्ट दोनों x और y जो होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये लोकेशंस होते हैं. तो मैं फिलहाल इस जगह की बात कर रहा हूं, तो इस जगह पर जब ये प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा यानी कि यहां जस्ट पोल को क्रॉस कर रहा होगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? सोच के बताओ. ये प्रोजेक्टाइल हवा में ऐसे उड़ रहा है, 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 यहां यहां पहुंचा है, तो इसका इस वक्त y कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो. जीरो. तो कैसे हो सकता है, हवा में है बेटा, तुम हर चीज का आंसर जीरो ही दे रहे हो दो दिन से. और से क्या? इसका y कोऑर्डिनेट टच हो गया जमीन पर से, वो कितना ऊपर है ये y कोऑर्डिनेट है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वो कितना आगे है ये x कोऑर्डिनेट है. तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ता जाना है हवा में, फ्लाई करता है, करता है, करता है, और यहां पर आया अभी, तो इस जगह पर ये जमीन से कितना ऊपर है? मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूं एच. एक्स कोऑर्डिनेट कितना है जब प्रोजेक्टाइल यहां है? तो ए पोजीशन से वो कितना आगे है? यस, वेरी गुड, ए. बहुत अच्छे, शाबाश, ए. कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है?
45 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, आपने अभी भी बताया रेंज इज ए प्लस बी. अच्छा टेन 45 तो 1 हो जाता है, चलो इसका कोई मामला ही नहीं बचा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेन 45 तो हो गया 1. सो एच विल नाउ बी लाइक दिस, ए ए इन ब्रैकेट 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. बस ब्रैकेट सॉल्व करना है, आपका आंसर तैयार है. एच इज इक्वल टू, ये मैं बाहर रखता हूं थोड़ी देर के लिए, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. ठीक है, ये पूरी चीज यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, कॉमन डिवीजन कर दें, एलसीएम निकाल दें इसका. अब यहां न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं कि एक प्लस ए और एक माइनस है, सो प्लस ए माइनस ए कट गया, क्या बाकी बचा. सो एच इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, देयरफॉर फाइनल आंसर एच इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये आंसर आ गया इसका. ठीक, अब देखें कोई स्पीड गिवन नहीं है हमको, कोई कोऑर्डिनेट पता नहीं है, कोई टाइम का कैलकुलेशन हमें पता नहीं है, इनफैक्ट हमें ये भी पता नहीं है कि ये हाइट एक्चुअली कहाँ है, बिफोर द मैक्सिमम हाइट है कि आफ्टर द मैक्सिमम हाइट है, कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, फिर भी हमने आंसर ढूंढ लिया एच इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो इक्वेशन है ये बहुत काम की इक्वेशन है, बहुत की इक्वेशन है, इसे अच्छे से दिमाग में बिठाइए. अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त एक नई बात हमको क्या पता चली कि यहां जब भी हम x और y की वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो एक्चुअली वो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है ना, वो लोकेशंस होंगी, वो कोऑर्डिनेट्स होंगी कि कहां जहां से प्रोजेक्टाइल पास हो रहा है वहां पर उसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि x और y की वैल्यूज क्या है. x और y की वैल्यूज को समझना बहुत आसान है, ग्राउंड से जितना भी ऊपर होंगे हम वो h हो जाएगा, सॉरी y हो जाएगा, और इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जितना भी आगे होंगे हम वो x हो जाएगा. Getting it right? Yes, sir. Okay. मैं क्वेश्चन लेना चाह रहा हूं और एक थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त है, समझने लायक मजेदार क्वेश्चन है, आप इसके रिजल्ट्स देख करके थोड़ा सा चौंकेंगे. एक वाटर जेट है ये, इसमें से हम पानी फेंकेंगे ऐसे, तो वो जो वाटर जेट है वो जैसे उड़ के जो है प्रोजेक्टाइल अपना मोशन पूरा करके ये दीवार पे जाके गिरेगा, तो दीवार पे जाके हिट कर रहा है वो, और हमने तय कर लिया कि हम इसको 45 डिग्री पे फेंकने वाले हैं और हम इसको ओरिजिन पे रख रहे हैं, ठीक है. लेकिन एक चीज ये है कि ये जो वाटर जेट है जिस दीवार पे जाके ये हिट कर रहा है वो वॉल केस ए यानी कि पहली सिचुएशन में हाफ मीटर इतने डिस्टेंस पर है और केस बी दूसरी सिचुएशन में 2 मीटर के डिस्टेंस पर है. दो अलग अलग केसेस हैं, पहले हाफ मीटर पे है और बाद में 2 मीटर पे है. स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन √10 मीटर पर सेकंड दे दिया इसने. अब ये पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर जेट विद द वर्टिकल वॉल, कहां जाके ये दीवार पे पानी लगेगा. क्वेश्चन टफ है, आप महसूस करें इसको, थोड़ा फील करें तो आपको आएगा अंदाजा, अरे ये तो टफ जा रहा है. जो वाटर का जेट है वो दीवार पे कहां जाके हिट करेगा, आइए निकालते हैं. केस वन में बच्चों मानते हैं कि हमने हाफ मीटर पे दीवार रखी है, तो ये हाफ, हाफ का मतलब समझिए 0.5 मीटर, करेक्ट है. और यहां इसकी वेलोसिटी कितनी बना रहे हैं हम लोग, √10, √10 इतनी वेलोसिटी हम इसकी बना रहे हैं. तो वेयर एग्जैक्टली इट विल हिट, मतलब हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है, ये दीवार तो y कोऑर्डिनेट है ना, हाँ या ना, ऊपर या नीचे, मतलब y कोऑर्डिनेट हो गया ना दीवार ये. यस सर. यस. और ये जो हाफ मीटर यानी कि 0.5 मीटर जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, ये तो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, क्योंकि मैं यहां से थ्रो कर रहा हूं, यहां दीवार पे जाके गिरेगा वो, तो दीवार कितने आगे है, आगे कितने है, ये तो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है. हाँ, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, रेंज निकाल लें आप इसकी. अब हम 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं, 45 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं, मतलब
रेंज का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा वो मैं यूज करता हूं यहां. सो बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला रेंज के लिए मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी. अब यू मतलब रूट टेन, उसका स्क्वायर करूंगा तो टेन आ जाएगा, इंटू साइन टू थीटा, टू इंटू 45 विच मीन साइन 90 डिवाइडेड बाय जी, और जी का वैल्यू भी है 10. तो कैलकुलेशन से पता चला रेंज इज 1 मीटर. करेक्ट है, रेंज तो 1 मीटर हो गया. यस सर. अब सोचने वाली बात है बेटा कि हमने अगर ये दीवार यहां पे नहीं रखी है तो ये वाटर जेट 1 मीटर पे जाके गिरने वाला है. करेक्ट, ये 1 मीटर पे जाके गिरेगा, लेकिन हमने बीच में दीवार लगा दी. यस सर. तो क्या ये कहीं यहां ऊपर जाके स्प्लैश करेगा, ये पानी yes. का जो ऊपर जाके स्प्लैश करेगा ना कहीं, क्योंकि अगर ये दीवार में बराबर 1 मीटर पे रखता तो ये एकदम ऐसे जड़ में इसके यहां जाके गिर जाता ना, यहां गिरता पानी. मैंने 1 मीटर से पहले ही दीवार रख दी, 0.5 मीटर पे ही दीवार रख दी, तो वाटर जेट जा रहा था बीच में ही दीवार आ गई, ऊपर जाके हिट करेगा. ये फील हो रहा है सबको कि ऊपर जाके हिट करेगा? यस सर. यस सर. तो ये ऊपर जाके हिट करेगा, पता नहीं कहां जाके हिट करेगा. तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस, ये यहां कहीं जाके हिट करेगा. तो बेसिकली ना बच्चों हमको ये वाई कोऑर्डिनेट निकालना है कि ये कहां जाके हिट कर रहा है. कैसे निकालेंगे सोचो आप? तो बड़ा ही आसान है, हमारे पास एक काम की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस 1 x बाई आर. ठीक है, y इज इक्वल टू, सब ध्यान देके सुने, x जो है वो 0.5 है, tan 45 1 माइनस ये 0.5 डिवाइडेड बाई 1. डेटा क्लियर हो गया आपको अच्छे से? यस सर. सो y इज इक्वल टू tan 45 तो 1 हो जाता है बेटा, ये 0.5 ब्रैकेट सॉल्व करें, 1 माइनस 0.5 0.5 तो आंसर आया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 0.25 मीटर. ठीक है, यानी कि ये जीरो लेवल के हिसाब से, ग्राउंड लेवल के हिसाब से हम देखें तो यहां से 0.25 मीटर ऊपर ये वाटर जेट जाके टकराएगा. क्लियर है बात? यस सर. तो ये आंसर आ गया केस ए का. अब देखते हैं केस बी. केस बी बहुत जबरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है. केस बी में ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए है कि हम ये देख रहे हैं कि केस बी में हमने दीवार को दूर कर दिया. कितनी दूर रखा? 2 मीटर. तो x का वैल्यू अब हमें पता चल गया, x का वैल्यू कितना है? 2 मीटर. और अभी भी हम थ्रो जो कर रहे हैं उसको वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. अभी भी हम स्पीड उसकी रूट 10 मीटर पर सेकंड ही लगा रहे हैं, नो इश्यूज. एंगल भी अभी भी हमने वही रखा है, सिर्फ दीवार पीछे कर दिया. तो रेंज एज यूजुअल कितना आ जाएगा? 1 मीटर. और दीवार कहां रखी हमने? 2 मीटर. तो क्या ये प्रोजेक्टाइल ऐसे ऐसे जाते 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 ऐसा नीचे जाके टकराएगा? यस सर. यस सर. नीचे टकराएगा, नीचे, क्योंकि अगर ये दीवार बराबर 1 मीटर पे होती ना, एग्जैक्टली 1 मीटर पे होती तो बराबर ये इसके बेस पे जाके हिट करता, एग्जैक्टली इधर 1 मीटर पे होती. तो 1 मीटर से पहले रखा तो ऊपर जाके हिट करेगा, 1 मीटर के बाद रखा है तो क्या ये इस पॉइंट के नीचे जाके टकराएगा? यस सर. हाँ, इसके नीचे जाके टकराएगा. अब ध्यान से देखना, मैं कोशिश करता हूं बनाने की. ऐसे प्रोजेक्टाइल फायर हो गया, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस विल हिट समवेयर हियर, यहां जाके हिट करेगा ये. और ये डिस्टेंस आपको फिगर आउट करना है. वाई? गेटिंग इट? जस्ट राइट that particular equation which we are going to use, that is y is equal to x tan theta 1 minus x by r. Therefore, y is equal to x ka value hume pata hai 2. We'll go for tan 45 1 minus x ka value 2 range 1.
देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 tan 45 तो 1 है 1 माइनस 2 व्हाट इज 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 ठीक है माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 फाइनल आंसर माइनस 2 माइनस 2 मीटर क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ माइनस का क्या मतलब है नीचे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स वॉल के ओरिजिन वाले रेफरेंस से भी नीचे गया अब देखो तुम इस इक्वेशन का लॉजिक समझो कि ये इक्वेशन इतनी परफेक्ट है कि अगर प्रोजेक्टाइल ओरिजिन के हिसाब से ऊपर की तरफ वॉल के ऊपर के पोर्शन पर अगर जाके हिट करता है तो आंसर पॉजिटिव आता है और अगर इसके नीचे जाके हिट करता है तो आंसर नेगेटिव आ जाता है खुद से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है हम इतना अगर डायग्राम वाइग्राम नहीं बनाते लॉजिक नहीं लगाते दिमाग नहीं लगाते और सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करते तो भी हमें एट द एंड समझ में आ जाता कि ये नीचे जाके टकराने वाला है यस सर नो यस सर ओके सो दिस इज हाउ आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये कितनी इंपॉर्टेंट है इसे आपको अच्छे से याद रखना है ओके yes. अब दो बातें हो गई एक तो ये कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज कब डेवलप होगी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज थीटा 45 हो जाएगा 45 डिग्री बहुत अच्छे दूसरा ये कि प्रोजेक्टाइल और रेंज का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और रेंज का एक पर्टिकुलर इंटर रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर लिया जस्ट टू गिव यू क्विक रिकॉल ऑफ दैट इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x बाई r ठीक अब एक और छोटी सी चीज हमें समझना जरूरी है यहां पर और वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे बच्चों रेंज जो है ये 45 पर मैक्सिमम आती है बिल्कुल सही बात है बट हम दूसरे एंगल्स पर जब रेंज को कंपेयर करते हैं उसे चेक करते हैं अदर देन 45 एंगल्स पर तो हमें एक सरप्राइजिंग सा रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट कुछ ऐसा है सी दिस बड़ा सरप्राइजिंग सा रिजल्ट है आप देख रहे हैं जो येलो लाइन है और ग्रे लाइन है ठीक है ना ये दोनों के लिए रेंज सेम है बट येलो पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 10 है और ग्रे जो ये ग्रे ही दिख रहा है ना आपको ये तो ये 80 डिग्री है अच्छा फिर ग्रीन और ब्लू इन दोनों के लिए भी रेंज कैसी है सेम है ब्लू पर ये ऐसे प्रोजेक्शन यहां पहुंचेगा और ग्रीन से फेंकूंगा तो थोड़ा ऊपर जाके पहुंचेगा वही तो इन दोनों के लिए भी रेंज हमें सेम मिल रही है जबकि ग्रीन का जो एंगल है वो 60 डिग्री ऑफ प्रोजेक्शन है और ब्लू वाला जो एंगल है ऑफ प्रोजेक्शन वो 30 डिग्री है और फिर 45 पे एज यूजुअल हम बोलते हैं कि भाई मैक्सिमम है तो हमें इस छोटे से एग्जांपल से समझ ये आया कि प्रोजेक्टाइल की रेंज 45 डिग्री के लिए मैक्सिमम होगी लेकिन अदर देन 45 डिग्रीज बाकी एंगल्स के लिए जो रेंज बन रही है सेम रेंज दो दो एंगल के लिए बनेगी ठीक है एक ही रेंज दो अलग अलग एंगल्स के लिए बन सकती है गेटिंग इट जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे 10 और 80 और 30 और 60 30 60 की पेयर आप चेक करेंगे तो उसके लिए रेंज सेम है और 10 और 80 की पेयर आप चेक करेंगे तो उसके लिए भी रेंज सेम है भले वो रेंज कम हो लेकिन दोनों के लिए रेंज सेम है एक केस में प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जा पा रहा है बिल्कुल वहीं का वहीं गिर गया और दूसरे केस में प्रोजेक्टाइल बहुत ऊपर जाके आ रहा है लेकिन गिर रहा वहीं तो ऐसा पेयर ऑफ एंगल ऐसे पेयर ऑफ एंगल पेयर का मतलब दो आ गए उसमें ऐसे दो एंगल जिनके लिए रेंज सेम होती है उन्हें हम कॉल करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ठीक है यस सर नो यस यस सर एंगल फॉर विच द रेंज इज सेम अ कपल ऑफ एंगल कपल तो नहीं बोलना चाहिए मुझे बट कपल का मतलब लाइक जोड़ी अ कपल ऑफ एंगल फॉर विच द एंगल इज सेम अ पेयर ऑफ एंगल फॉर विच द रेंज इज सेम इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि ये कौन से पेयर हैं क्या इनमें कोई खासियत है क्या
क्या कुछ लिंक लगता है क्या कि भाई ये कितना है तो दूसरा उतना होगा, कुछ ऐसा लिंक लगता है क्या? लेट्स ट्राई टू एनालाइज। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल की रेंज आर मानते हैं जो हम लेते हैं थीटा डिग्री पर, और दूसरे प्रोजेक्टाइल की रेंज हम लोग मान लेते हैं आर डैश जिसे हम चॉइस करते हैं 90 माइनस थीटा डिग्री पर, 90 माइनस थीटा। इसे जरा समझिए, फॉर एग्जाम्पल थीटा अगर 10 है तो 90 माइनस थीटा यानी कि 80 हो जाएगा, थीटा अगर 20 है तो 90 माइनस थीटा यानी कि 70 हो जाएगा, थीटा अगर 30 है तो 90 माइनस थीटा यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने का एक तरीका है। तो वन ऑफ द एंगल हम क्या यूज कर रहे हैं, थीटा, और दूसरा एंगल हम क्या यूज कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा। तो एक पेयर बन रहा है ना, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। लेट्स से कि अगर मैंने थीटा को 5 लिया, 5 ओनली 5, तो 90 माइनस थीटा क्या लेना पड़ेगा मुझे, 85। ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं तो हमें जनरल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते आना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने थीटा 15 लिया तो दूसरा पॉसिबल एंगल मैं क्या चॉइस करने वाला हूं, 75 एंड अकॉर्डिंगली। आप सोचें बच्चों, रेंज का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो लिख लें आप, तो आंसर है आर इज इक्वल टू, सबसे जनरलाइज फॉर्मूला है हमारा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। चलिए ये रेंज हो गई। अब इसी तरीके से आर डैश भी लिख लें आप, तो आर डैश के लिए आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यू स्क्वायर साइन टू, अब एंगल क्या लिखेंगे आप सोचें, 90 माइनस थीटा, जो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है आप वो लिख लें 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, जैसा वैसे, क्योंकि आप एंगल तो रिप्लेस करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, आर डैश इज इक्वल टू ये हो गया यू स्क्वायर साइन टू, बच्चों मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 90 इंटू टू ये हो जाएगा 180 माइनस ये 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये है कि साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा ये इक्वल हो जाता है साइन 2 थीटा के। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हम इस तरीके की कंडीशन फॉलो करा सकते हैं कि साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा विल बिकम इक्वल टू साइन 2 थीटा बाय वैल्यू। ठीक है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती रहेगी आपको। सो आर डैश यू स्क्वायर, अब आप खुद ही सोचें यहां से मुझे क्या लिखना चाहिए, ये सब किसके इक्वल हो गया, साइन 2 थीटा, ये भी साइन 2 थीटा के इक्वल हो गया डिवाइडेड बाय जी। लेकिन ये तो चौंकाने वाला रिजल्ट है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज एक्चुअली व्हाट, आर। तो इसका सीधा सा मतलब हमें क्या लिखना अलाउड हो गया, आर डैश इज इक्वल टू क्या, आर। रेंज सेम हो गई, जितना आर डैश बन रहा है उतना आर बन रहा है। तो ये कौन से पेयर ऑफ एंगल होंगे जिनके लिए रेंज सेम हो रही है, एक थीटा, तो दूसरा 90 माइनस थीटा। आप जरा यहाँ नोटिस करें, एक 10 है तो दूसरा 80 है, 10 और 80 अगर आप चेक करेंगे, थीटा को 10 मानेंगे तो 90 माइनस थीटा 80 हो जाएगा, 30 और 60 थीटा को 30 मानेंगे तो 90 माइनस थीटा यानी कि 60 हो जाएगा। तो अगर एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा एंगल इसमें हमेशा कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा। तो थीटा जितना भी है, मान लो थीटा 25 है, तो दूसरे कौन से एंगल के लिए आपको रेंज उतनी ही मिलेगी जितनी 25 पर मिल रही है, तो आंसर है 65। जो रेंज 25 पर मिलेगी क्या वही रेंज मुझे 65 पर मिलेगी, यस 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 सर। आ रही ना बात समझ में, क्योंकि 25 अगर मैं थीटा मान रहा हूं तो 90 माइनस थीटा अपने आप 65 हो जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वो अपने आप 65 हो जाएगा। सो दैट वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं। अब यहां एक हमको गलत फहमी होगी कि रेंज सेम हो रही है तो हो सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होंगे, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ रेंज सेम होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल नहीं सेम होगा। बात समझ आ रही है, इट विल बी सेम रेंज ओनली, नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं हो रहा है।
क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है वर्टिकल कंपोनेंट पर। आप देखो ये येलो लाइन को चेक करो आप, ये बिल्कुल कम हाइट वाली लाइन है, इसको टाइम कम लगेगा। और इस लाइन को चेक करो आप, रेंज तो उतनी ही है लेकिन ये बहुत ज्यादा हाइट वाली ट्रैजेक्टरी है, तो इस पर टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक पर टाइम कम लग रहा है, एक पर टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन दोनों के लिए रेंज कैसी आ रही है? सेम आ रही है। तो ये दिमाग में अच्छे से बिठाइए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सिर्फ रेंज सेम होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा। इनफैक्ट दूसरी कोई चीज सेम नहीं होगी, ठीक है ना? दूसरी कोई भी चीज हम यहाँ पर इक्वल करने के चक्कर में नहीं जाएंगे, हम बस क्लेम करेंगे कि भाई रेंज सेम है। ओके, इफ वन ऑफ द एंगल इज 35, देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री टू इट? 55 में से माइनस कर दो, बस बात खत्म। अच्छा, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि रेंज तो सेम नहीं है, सॉरी रेंज सेम हो गई है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन बन सकता है, क्या कोई आइडिया, कोई क्लियरिफिकेशन मिल सकता है क्या? तो आइए निकालते हैं। हम जानते हैं कि अब एक एंगल जो है ना अपना वो थीटा हो गया है, और दूसरा जो करस्पॉन्डिंग एंगल है जिस पर हम सेम रेंज एक्सपेक्ट करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वो है 90 माइनस थीटा। लेट्स से कि इसके लिए मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा, तो क्या मैं आंसर ऐसे लिखूंगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, करेक्ट है? और दूसरे वाले के लिए अगर मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा तो मैं ऐसे लिखूंगा t डैश इज इक्वल टू 2u sin 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई g। आप समझ पा रहे हैं मैंने एंगल को बराबर बदला? Yes? Yes, sir. आप सोचे बेटा t डैश इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री ठीक से इस्तेमाल करोगे ना तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है ये समझ के मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, इतनी बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आनी चाहिए, टेंथ में भी आपने सीखा होगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये टी देखो और ये टी डैश देखो, दोनों फर्क है, दो इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में साइन आ चुका है और इस फॉर्मूले में कॉस आ चुका है, दे आर नॉट सेम। हालांकि इन दोनों एंगल के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज आपने चेक की तो सेम निकले, बट टाइम ऑफ फ्लाइट इज नॉट सेम। चलिए काम कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सो इफ आई डिवाइड द फैक्टर ऑफ टी डैश या टी बाई टी डैश, लेट्स गो फॉर टी बाई टी डैश, मे बी वील बी गेटिंग सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो डिवाइड करने पे मैं देखूंगा 2u और g, 2u और g दोनों में है, तो क्या दोनों में कैंसिल हो जाएगा? यस सर। हाँ, क्या बचेगा? साइन अपॉन कॉस। वेरी गुड, एक तरफ आपको मिल जाएगा साइन थीटा और दूसरी तरफ आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा? टैन थीटा। टैन थीटा। टी डिवाइडेड बाय टी डैश विल टर्न आउट टू बी टैन थीटा। देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू टी डैश टेन थीटा। ये भी हम एक रिलेशन की तरह जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं, ठीक है? इट्स एन एडिशनल कैलकुलेशन जस्ट टू हैव अ क्लियरिटी ऑफ द कंसेप्ट कि भाई रेंज सेम हो रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं हो रहा है। तो ये छोटा सा आर्टिकल है अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक इंपॉर्टेंट या सरप्राइजिंग बात आप सोचे, 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो सकता है जिसके लिए रेंज सेम हो? 45 का क्या होगा? 45 का 45 भी होगा, तो 45 एक यूनिक एंगल है जिसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मैक्सिमम रेंज मिल रही है, ठीक है ना? 45 के लिए माइनस करोगे तो भी तो 45 ही आएगा, और रेंज मैक्सिमम भी मिल रही है, तो ये यूनिक एंगल हो गया यहाँ पर। और वैसे देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही है 90 में से माइनस करके निकालना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हम लिखते हैं ना ऐसे, तो 90 में से माइनस करके ही निकालते हैं, बट यहाँ खास बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज हमको सेम मिलती है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे फिर रुक जाते हैं।